मार्केट्स अभी देखे तो 1700 के नीचे इन्फ्लेट रेट कर रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर हमारे साथ सुदर्शन है कर्नाटका से। सुदर्शन गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा SBI 177 रेट पे 100 शेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है राकेश, क्या करना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 177 के इनका परचेजिंग प्राइस है, अभी ट्रेड कर रहा है 173 पर, क्या करें? देखिए दीपाली, टेक्निकली तो स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, इवेंचुअली PSU बैंकिंग स्पेस अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इनकी जगह होता तो इस पैसे को यहाँ से निकाल लेता, इस पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर, फ्रंट लाइन के अंदर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक में डालता, या मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर फेडरल बैंक में स्विच करता। ऑलराइट, चलिए यहाँ से स्विच करने की आपको सलाह दी गई है, लेकिन राकेश मार्केट्स अभी काफी वोलेटाइल है, ऐसे में इन्वेस्टर्स को आप कहाँ निवेश की सलाह दे रहे हैं? आपकी तरफ से दो टॉपिक्स देखिए साक्षी, अगर आप टॉपिक्स की बात करोगे तो मैं ट्रेडिंग के नजरिए से अदानी के फ्यूचर को बेचने की राय दूंगा 77.20 के स्टॉप लॉस के साथ 63 के टारगेट के लिए, और दूसरा सेल कॉल होगा SRF पर। हालांकि हमारी रिकमेंडेड प्राइस से स्टॉक ऑलरेडी 4.25% नीचे है, रैली पे बेचें 1293 का स्टॉप लॉस 1150 के लक्ष्य के लिए। बट अगर निवेश का नजरिया है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉजिस्टिक स्पेक्स काफी अच्छा लग रहा है। दीपाली ने शो की शुरुआत में गति का भी नाम लिया था, जिस तरीके से एक समय आया था जब शुगर स्टॉक्स डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मुझे लगता है वो अब समय लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए आया है, और लॉजिस्टिक्स में टॉप पिक गति रहेगा। अगर निवेश करना है तो गति में निवेश कीजिए 158 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। अब जो अगला सवाल है हमारे पास आपके लिए वो है मोहिन मनिंदर ने हमारे साथ इंटरेक्ट फोन लाइन पर। मनिंदर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं मनिंदर जी? हाँ मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास अशोक लेलन का एक लॉट लिया हुआ है 104.90 रुपए पे। अशोक लेलन 104.90 रुपए पर खरीदे हुए आपने, ठीक है। आपका और एक्सपायरी अभी 3-4 दिन बाकी रह गए, तो अब क्या करना चाहिए? ठीक है राकेश, शायद ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इसी वजह से इन्होंने एक्सपायरी का भी जिक्र किया। 101 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनका परचेजिंग प्राइस 104 रुपए का है, क्या करना चाहिए? 104.90 रुपए इनफैक्ट। देखिए मैं इनको राय दूंगा, पहले तो एक स्टॉप लॉस लगाएं वायदा बाजार के अंदर, 100.40 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और किसी भी पुल बैक में अगर 103-104 के भाव मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए आपको राय भी यहाँ पर मिल चुकी है। अगला सवाल हम SMS के जरिए मिला है वो ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है वो भरत का है, थाने से ये जानना चाहते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। 76 शेयर्स हैं इनके पास, इनका परचेजिंग प्राइस है 3750 का, फिलहाल 3906 पर चल रहा है, तो प्रॉफिट्स में तो हैं ये, लेकिन लगातार कुछ दिनों से नेगेटिव न्यूज फ्लो बना हुआ है। अब जो ये न्यूज फ्लो आया है कि रिकॉल की है कंपनी ने एस क्रॉस की कुछ गाड़ियां ब्रेक फेल होने के चलते, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से मिस्टर बंसल? मारुति सुजुकी को आपको किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए मुझे अभी ट्रेंड तो इसका अप है, बट मौजूदा सरों से अपसाइड भी कैप लगती है। मेरा नजरिया ये है कि जो मुनाफा हो रहा है मुनाफे को बांधने में समझदारी होगी, इन स्तरों पर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है मारुति सुजुकी में। अगला सवाल है हमारे पास एक SMS, गुलशन है इनफैक्ट हमारे साथ बिजनौर से। गुलशन नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए। इसका ये धामपुर के 1000 शेयर है 85 रुपए में, कौन सा स्टॉक बताया आपने? धामपुर शुगर 85 का आपका परचेसिंग प्राइस है 85 में, और 118 में बलरामपुर, ठीक है क्या करना चाहिए राकेश? धामपुर शुगर 85 का भाव है, इनके खरीद से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा इनके पास बलरामपुर चीनी, यहाँ पर 108 का इनका परचेसिंग प्राइस है, नतीजे भी आने हैं इनफैक्ट बलरामपुर चीनी के। देखिए दीपाली, धामपुर का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे में 83 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 83 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, ऊपर में 105 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। सेम चीज बलरामपुर चीनी के साथ है, टेक्निकल रुझान स्टॉक का काफी अच्छा है, मुझे लगता है स्टॉक का 95 रुपीज 100 रुपीज के अराउंड एक बेस बना हुआ है, और ऊपर में 135-140 के लक्ष्य के लिए स्टॉक एक क्लियर होल्ड है। ऑलराइट, चलिए अब अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं ओडिशा से। मिस्टर अरविंद नमस्कार, अरविंद जी क्या आप सुन पा रहे हैं? अब अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं ओडिशा से। हेलो जी अरविंद जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम, मैडम मेरा क्वेश्चन भारतीय इंफ्राटेल पे था। भारतीय इंफ्राटेल, ठीक है, किस भाव पे खरीदा है? नहीं मैडम, भारतीय इंफ्राटेल जो लॉकिंग सिस्टम दे रहे थे 3 मंथ के लिए, कि 3 मंथ के लिए आप बाय करके 385 और 450 में वो बाय बैक करेंगे, तो इसी में क्वेश्चन था कि क्या हम इसे बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पर?
ठीक है, ऑल राइट. राकेश कैसा लगोगी भारती इंफ्राटेल पर, करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए टेक्निकली स्टॉक अच्छा लगता है, नीचे में 350 रुपए एक अच्छा बेस है. अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी करें. ये जो मेरे को जो लग रहा है ये बायबैक के चक्कर में जो खरीदना चाह रहे हैं उस चीज से दूर रहना चाहिए.